तो आइए दोस्तों बात करते हैं उस दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में से अच्छी और सिलेक्टेड खबरें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सरकार के कुछ नए नियम अपडेट जानेंगे और इसमें बैंक खाता वालों के लिए स्पेशली अलर्ट है। जी हाँ, अगर आपका भी बैंक खाता है तो आपको ये खबरें जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं और आपको फटाफट से आपके खाते से पैसे निकाल लेने हैं। तो आखिर किन किन लोगों के बैंक खाता वालों के लिए ये अलर्ट जारी है और कौन से बैंक ने ये अलर्ट जारी किया है, तमाम डिटेल्स और जानकारियां जानेंगे इस खबरों में। बने रहेगा इस वीडियो को अंत तक, पूरा जरूर देखिएगा। सीधे बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। तो WHO की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों, अगर आप भी वाहन चलाते वक्त इस्तेमाल करते हैं मोबाइल तो जरूर पढ़ लें ये खबर। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वाहन चलाते समय फोन पर बात करने के दौरान होने वाले हादसों के आंकड़े पेश किए गए। अगर आप भी वाहन चलाते समय लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आंकड़े जानकर आप सहम जाएंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो लोग वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के साथ सड़क दुर्घटना होने की संभावना 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधानी रखें और आगे से ऐसा ना करें। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर है IRDAI यानी कि IRDA का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश है एक स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोडक्ट तैयार करें। जी हाँ, वर्तमान में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा अलग अलग बीमा कवर दिया जाता है, लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी कि IRDA ने बीमा कंपनियों को एक स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोडक्ट तैयार करने को कहा है। उस प्रोडक्ट में सभी कंपनियों के लिए एक जैसे फीचर होंगे। IRDA का मकसद हेल्थ इंश्योरेंस की जटिलताओं को दूर करना है ताकि आसानी से कोई आदमी स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस ले सके। नए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में सभी तरह का क्लेम विकल्प एक जैसा होगा और एक स्टैंडर्ड सिस्टम होगा, है ना। जानकारी के मुताबिक नए हेल्थ प्रोडक्ट में 5 लाख तक का बीमा कवर होगा। इससे ग्राहकों को प्रोडक्ट को समझने में और इनकी सिस्टम को जानने में आसानी रहेगी। अच्छा, अगला अपडेट है लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर है। बंगाल के कूच बिहार में एक मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान का आदेश जारी। जी हां, निर्वाचन आयोग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार संसदीय क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर फिर से मतदान के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी संजय बसु ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कूच बिहार संसदीय सीट के तहत आने वाले शीतल कुंजी विधानसभा क्षेत्र में भोगदाबरी प्राथमिक विद्यालय में स्थित बूथ संख्या 181 पर फिर से मतदान होगा। मतदान 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। बसु ने फिर से मतदान कराने का कारण ये बताया कि मॉक पोल के बाद पीठासीन अधिकारी ने मॉक पोल के परिणाम नहीं मिटाए जिसके कारण वह मुख्य परिणाम में जुड़ गया। बाद में मतदान रोक दिया गया और पीठासीन अधिकारी को एक कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। तो इस तरह की गलती की वजह से यहां पर दोबारा मतदान का आदेश जारी किया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर है PM मोदी नामांकन से पहले आज वाराणसी में करेंगे बड़ा रोड शो, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था बना दी गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन से एक दिन पहले आज वाराणसी में बड़ा रोड शो करेंगे। रोड शो की शुरुआत पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा स्थल से होगी और यह दशाश्वमेध घाट पर खत्म होगा। PM मोदी रोड शो के बाद गंगा आरती में भी शामिल होंगे। बीजेपी के मुताबिक रोड शो के बाद प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। उसके बाद रात 8 बजे वह वाराणसी से होटल डी पेरिस में मशहूर शख्सियतों के बीच बैठकर बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि PM नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भरेंगे और पर्चा भरने के दौरान बीजेपी के बड़े नेता तो रहेंगे ही, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी PM मोदी के साथ होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 25 अप्रैल 2019 को दोपहर 3 बजे वाराणसी में रोड शो करेंगे और इसका लाइव और सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं इन लिंक्स के थ्रू। BJPLive.org के ऊपर भी आपको ये देखने मिल जाएगा। अच्छा, अगला अपडेट है खुशखबरी, सोना खरीदना लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ और अब 10 ग्राम की कीमतें गिरकर इतने रुपए हुई। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें गिरने के बाद घरेलू बाजार में सोना खरीदना लगातार दूसरे दिन सस्ता हो गया है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि मंगलवार के दिन सोने की कीमतों में 100 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई थी और उसके बाद सोना सस्ता हुआ है। और अभी सराफा बाजार में सोने की बात करें दोस्तों तो 50 रुपए टूटकर 32,720 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया और वहीं चांदी 200 रुपए की गिरावट के साथ 38,225 रुपए प्रति किलो पर रह गई है। अच्छा, अगला अपडेट और बड़ी खबर है हट गया टिकटॉक पर लगा बैन, अब फिर से कर सकेंगे डाउनलोड। जी हाँ, शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध हट गया है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की ओर से 22 अप्रैल को आदेश दिया गया था कि इस ऐप पर प्रतिबंध लगाने का अंतरिम आदेश सुनाए। ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई के बाद इस एप्लीकेशन पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। इसके बाद टिकटॉक फिर से डाउनलोड और इस्तेमाल के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा। आपको बता दें कुछ ही दिन टिकटॉक के बंद रहने से भी कंपनी को कई लाख डॉलर का नुकसान हुआ है। हालांकि इसको बंद करने के पीछे भी वजह थी कि इसके ऊपर से कुछ इलीगल कंटेंट थे, गलत कंटेंट थे। हालांकि बैन लगाने के बाद टिकटॉक ने अपने प्लेटफॉर्म से कई सारे वीडियोस को डिलीट किए। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 60 लाख से ज्यादा वीडियोस डिलीट कर दिए गए हैं और ऐसे में अभी कुछ समय बाद आपको ये फिर से प्ले स्टोर के ऊपर देखने मिल सकता है। वैसे दोस्तों आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से टिकटॉक पर वापस बैन लगना चाहिए या नहीं, या इसको वापस डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर पर डाल देना चाहिए या नहीं। आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले बड़े अपडेट की दोस्तों। तो श्रीनगर में सार्वजनिक स्थान
दुकानों पर भीख मांगने पर होगी जेल। जी हाँ, ये एक नया नियम बना दिया है। जम्मू एवं कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने वाले व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह आदेश बुधवार को जारी किया गया। दरअसल श्रीनगर के जिलाधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी ने जम्मू एवं कश्मीर भीख रोकथाम अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने वाले लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। साथ ही खैरात लेने के लिए अपने घाव, चोट, शारीरिक विकृति या किसी बीमारी का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है। वहीं पुलिस को भी आदेश दिया कि इसे नियम और कानून का सख्ती से पालन किया जाए। अच्छा, अगले बड़ी खबर है, अफ्रीकी देश मालवी में लॉन्च हुआ दुनिया का पहला मलेरिया का टीका। 30 साल से चल रही थी कोशिश। जी हाँ, दुनिया भर में हर साल लाखों मौतों के कारण मलेरिया का पहला टीका लॉन्च कर दिया गया है। इसे अफ्रीकी देश मालवी में लॉन्च किया गया है। बता दें कि इस जानलेवा बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए पिछले 30 साल से इस टीके को लाने के प्रयास किए जा रहे थे। यह टीका 5 महीने से 2 साल तक के बच्चों के लिए अवेलेबल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दुनिया भर में हर साल 4,35,000 लोग इस बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मालवी सरकार के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का स्वागत किया है और यह टीका बच्चों के प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करेगा, जिससे मलेरिया के परजीवी का उन पर घातक असर नहीं होगा। यह टीका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के खिलाफ भी काम करता है, जो कि बच्चों में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ ही मलेरिया से लड़ने की शक्ति पैदा करता है। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, Xiaomi के साथ बिजनेस करने का शानदार मौका है, हर महीने होगी अच्छी इनकम। जी हाँ, बिजनेस करने का प्लान करने वाले लोगों के लिए चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi बेहतरीन मौका लेकर आई है। अगर आप भी कारोबार शुरू करने के इच्छुक हैं तो कम लागत में MI स्टोर्स ओपन कर सकते हैं। Xiaomi की तरफ से हाल ही में उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक देश भर में कंपनी के 10,000 रिटेल स्टोर होंगे और साथ ही ऑफलाइन मार्केट से उसके कारोबार में 50% तक हिस्सेदारी होगी। तो कुल मिलाकर के Xiaomi 19 राज्यों में अपना बिजनेस बढ़ाने जा रही है और 1,000 से ज्यादा MI स्टोर खोलने जा रही है। Xiaomi इंडिया की तरफ से कहा गया है कि इससे 2,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया है Redmi India, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब ये Xiaomi का, अगर आप भी MI स्टोर खोलना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी यानी कि आवश्यकताएं हैं। कितना स्पेस होना चाहिए, 300 वर्ग फीट का आपका ऑफिस स्पेस होना कंपलसरी है। 10 लाख से कम का आपको निवेश करना है और आप Xiaomi स्टोर खोल सकते हैं। और ज्यादा डिटेल्स आप Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट डिटेल के जरिए देख सकते हैं। कॉन्टेक्ट करके आप कंपनी से ऑफिशियली जान सकते हैं। ओके, अगला अपडेट है दोस्तों यूपी बोर्ड को लेकर है। एक ही दिन आएंगे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट और ये है संभावित तारीख। जी हाँ, उत्तर प्रदेश क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट दोनों के ही एक ही दिन आने की खबरें आ रही हैं दोस्तों। और जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल तक ये रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी हो सकता है। तो जब भी ये रिजल्ट अनाउंस होगा तो हम आपको और भी जानकारी हमारे चैनल के ऊपर बता देंगे। अच्छा, अगला अपडेट है, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश, संविदा शिक्षक को अध्यापक संवर्ग में करो शामिल। जी हाँ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में जिला शिक्षा अधिकारी टीकम गढ़ को निर्देश दिए कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 को अध्यापक संवर्ग में संविलियन करने के आवेदन का 6 सप्ताह में निराकरण किया जाए। इस निर्देश के साथ जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया। इसकी कुछ ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर है दोस्तों, बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। आप देख सकते हैं अलर्ट, 30 अप्रैल से बड़ा सरकारी बैंक बंद कर देगा अपनी खास सर्विस और फटाफट निकाले अपना पैसा। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान से समझिएगा। दरअसल सरकारी बैंक PNB की ओर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक दिसंबर 2016 में लॉन्च हुई सर्विस को 30 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा और ऐसे में ग्राहकों को अपने पैसे तुरंत निकाल लेने चाहिए। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक PNB इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी दे चुका है। 30 अप्रैल से ही PNB किट्टी को पूरी तरह से बंद कर देगा। अब ये PNB किट्टी क्या है दोस्तों? तो दरअसल बैंक ने अपनी ये सर्विस दिसंबर 2016 में लॉन्च की थी। आपको बता दें कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जगह PNB किट्टी से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें नेट बैंकिंग का पासवर्ड या कार्ड की जानकारी आदि भी किसी के साथ शेयर नहीं होती है। PNB का मोबाइल वॉलेट PNB किट्टी अब बंद होने वाला है। PNB किट्टी इस तरह के डिजिटल वॉलेट बैंक की तरह ही है, वॉलेट ही है जहां पर आप अपने पैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने PNB किट्टी के वॉलेट में जो भी पैसे हैं उसको मेन अकाउंट में ट्रांसफर कर लें या आप जहां भी उन्हें ट्रांसफर करना चाहते हैं वो कर लें IMPS के जरिए दूसरे अकाउंट में, वरना PNB किट्टी बंद होने जा रहा है 30 अप्रैल से ही। बड़ी खबर, आप देख सकते हैं 5 दिन बाद बंद हो जाएगी PNB की सर्विस और करोड़ों ग्राहकों पर असर होगा। तो आपके लिए ये अलर्ट है, आप अपने खाते से पैसे निकाल लें, वरना हो सकता है कि आपके पैसे कुछ जाम हो जाएं या फिर आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़े उसके बाद वहां से पैसों को निकालने के लिए। PNB ने ऑफिशियल ट्वीट करके लोगों में पब्लिक में ये जानकारी दे दी है। आप देख सकते हैं, डियर किट्टी यूजर्स, बैंक हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द वॉलेट, प्लीज ट्रांसफर अमाउंट लाइंग इन द वॉलेट बाय लॉगिन इनटू एप्लीकेशन बाय 13 अप्रैल 2019 एंड क्लोज योर वॉलेट। तो PNB किट्टी कुल मिलाकर के बंद होने जा रही है। फाइनली आप इसके खाते में जो भी आपकी अमाउंट पड़ी, पैसे पड़े हैं उनको तुरंत ट्रांसफर कर लें। ओके, और हाँ दोस्तों, साथ ही आप जीत सकते हैं हमारी टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं दोस्तों मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, टैबलेट,
पीसी गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और गिव अवे का अनाउंसमेंट जल्द भी आपको सोमवार को हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये आज के कुछ मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत महत्वपूर्ण खबरें थी जो उम्मीद आपको जानने मिली होंगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर देना। और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।